बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की डियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। कराची वालों, बड़ी खुशखबरी, शदीद बारिशों का नया सिलसिला कराची सिंध के निशाने पर। लेकिन कब से, आज की डियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। कराची समेत सिंध वाले भाइयों तैयारी कर लो, बारिशें आ रही हैं, यानी ज़बरदस्त मगरबी हवाएं सिंध का रुख करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान अब मगरबी ताकतवर हवाएं आ रही हैं मुल्क को शिद्दत के साथ मुतासर करने के लिए, जो कि अच्छी बारिशों का सबब बनेंगे। इस मरतबा ये हवाएं कराची तक कश्मीर बारिशों का सबब बनने जा रही हैं। जिक्र करते हैं बारिशों के हवाले से, तो कराची समेत सिंध वालों तैयारियां पकड़ लो, इंशाल्लाह अप्रैल के तीसरे हफ्ते से बारिशों में इजाफा देखने को मिल रही है, जिसके बाद मुख्तलफ मॉडल्स बता रहे हैं कि 14 से 15 अप्रैल के दौरान कराची समेत सिंध के तमाम शहरों में तेज़ आंधी गरज चमक के साथ अच्छी बारिशों की उम्मीद है। यानी रमज़ान के पहले या फिर दूसरे अशरे से कुदरत कराची सिंध वालों पर मेहरबान होने जा रहा है, जो कि रोज़ेदारों के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है। इंशाल्लाह इस मरतबा अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा शहर कराची में भी बारिश की अच्छी उम्मीद मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को बारिश से राहत की सुकून मिल सकती है। अब बस मज़ीद दुआएं करो कि बारिश में मज़ीद इजाफा देखने को मिले, आमीन। तब तक अभी तक लॉन्ग रेंज ये फोरकास्ट है, मज़ीद इसकी अपडेट्स हम आपको वक्त आने पर शेयर करते रहेंगे। मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट मीन थंडरस्टॉर्म, बारिशों के मुताबिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।